आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में युवाओं का कहना है कि इस बार नगर निगम के चुनाव में युवाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए और युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सभी वार्डों में युवाओं की सुविधा के लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए ताकि उन्हें पढ़ने के लिए अपने वार्ड से दूर शहर की ओर ना आना पड़े। मैम, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं शिमला शहर का एक निवासी हूँ और हम लोग ये कहना चाहते हैं नगर निगम चुनावों को खासतौर पर मद्देनज़र रखते हुए कि प्रदेश के अंदर हो चाहे शिमला की बात करें आप, तो यहाँ पर पूरे प्रदेश का युवा जो है यहाँ पर पढ़ने आता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है, कई अच्छे शिक्षण संस्थान यहाँ पर हैं, आप देखेंगे एकमात्र कन्या महाविद्यालय यहाँ है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस यहाँ पर है, तो अनेकों अनेक युवा जो है यहाँ पर पढ़ने आते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर युवाओं को आप देख सकते हैं कि राज्य पुस्तकालय के अंदर भी बहुत सारे युवा हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनकी ओर से भी जब आप एक सवाल जब करते हैं कि क्या युवाओं को नगर निगम चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मुझे ये लगता है कि हाँ, सबसे पहले तो ये सवाल बहुत दिलचस्प भी है, क्योंकि अगर युवा जो है ये चाहते हैं कि हमने किस तरीके से जो है प्रदेश को आगे बढ़ाना है या अपने देश को या अपनी राजधानी को आगे बढ़ाना है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि हाँ, प्रदेश के जो युवा हैं और जो हमारी राजधानी शिमला के खासतौर पर युवा, उनको आगे आना चाहिए। देखेंगे, आप देखेंगे कि लगातार इससे पहले भी जितने भी नगर निगम के चाहे पार्षद रहे हैं या कुछ हैं, मैक्सिमम जो होते हैं आप देखेंगे उनकी एज काफ़ी ज़्यादा रहती है, युवा उसमें बहुत, मतलब आज मैं पिछले सदन की बात भी करूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक युवा जो है उसके अंदर था जो युवाओं का जो बात भी रख सके। हालांकि हमने समय समय पर शिमला शहर के सभी जो पार्षद थे उनको मेमोरेंडम भी दिए कि ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।